प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम आपको यह दिखाने का प्रयास करेंगे कि वायु भी स्थान घेरती है, अर्थात उसका भी आयतन होता है। हमने कांच के गिलास में कुछ जल ले लिया है और यह हमारे पास एक कांच की शीशी है, और अब हम इस कांच की शीशी को जल में डुबोते हैं। देखने में कांच की शीशी खाली लग रही है, फिर भी इसमें जल प्रवेश नहीं कर रहा है। आप इसका कारण बता सकते हैं? चलिए मैं ही बताता हूँ। इस शीशी के अंदर वायु भरी हुई है और वायु भरी होने के कारण जल इसमें प्रवेश नहीं कर पा रहा है, और न ही वायु को बाहर निकलने के लिए स्थान मिल पा रहा है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह सीखने को मिलता है कि वायु का भी आयतन होता है, वह भी स्थान घेरती है। चलिए अब इस एक्सपेरिमेंट को एक बड़े जार के साथ दोहराते हैं। इस जार को हमने पानी से भर लिया है। अब हम कांच का एक खाली गिलास लेते हैं और इसे उल्टा ही इस जार में डुबोते हैं। गिलास को जार में डुबोने पर हमने यह पाया कि इस गिलास में पानी प्रवेश नहीं कर रहा है, और टेढ़ा करते ही इसमें से वायु के बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि पानी वायु को विस्थापित कर देती है। चलिए एक बार फिर से इस एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं। गिलास को टेढ़ा करते ही वायु को निकलने के लिए स्थान मिल जाता है, और वायु विस्थापित होने पर वह जगह पानी ले लेता है।